चीज़ें नहीं थी जब स्टार्टिंग किया, जब तो इतना नहीं था टारगेट, इतना बड़ा चीज अचीव कर लेंगे। और जैसे जर्नी स्टार्ट हुई, नो डाउट कि फिर एक रेच में आ गया था भाई, हो सकता है। सिस्टम को बनाने में पहले हमारे पास कुछ भी नहीं था। वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम मिनिमम 4 to 5 स्टूडेंट्स, 4 to 5 बच्चों के साथ स्टार्ट किया था। अगर 5 बच्चों के साथ, आप 5-7 टीचर ज्यादा थे, बच्चे कम थे। समझ लीजिए स्टार्टिंग, सिर्फ ही बैठे रहो। शुरुआत ऐसी होती है सर। ओके, और आज हमारी स्ट्रेंथ, आज हमारी स्ट्रेंथ करीब 90 प्लस है। तो जुमाई टेस्ट में कम नंबर आ गए, मेरा सिलेक्शन ही नहीं हुआ, ऐसी नेगेटिव। सर ऐसा तो बहुत बार, मतलब अप्स डाउन्स तो इतनी बड़ी जर्नी थी, अप्स डाउन तो ऑब्वियसली आएंगे ही। बहुत बार मार्क्स भी कम भी आते थे, अच्छे भी आते थे, लेकिन इतना ओवर थिंक नहीं करा कि सिलेक्शन नहीं होगा। मतलब सिलेक्शन से रिलेट नहीं करा उस चीज़ को। ठीक है, टेस्ट है, कोई बात नहीं, अब नहीं आए आगे आ जाएंगे। ओके, मतलब डिमोरलाइज तो हुए होते थे, तो जैसे टीचर से बात कर ली। जैसे कभी कभी होता था टेस्ट से पहले डर बहुत लगता था, तो फिर मतलब किसी टीचर ने बोला था कि अगर जिन लोगों को हार जाने का डर होता है, उनको जीत का कोई अधिकार नहीं होता। मतलब ये चीज़ सुन के ये लगा कि यार अब नहीं डरना है। कौन टीचर थे वो ऐसा खतरनाक सर? मतलब नरेंद्र सर थे, और भी मतलब बहुत सारे टीचर्स थे ऐसा। और कभी भी डीमोटिवेट होते थे तो फ्रेंड से बात कर ली, तो मतलब या फिर थोड़ा एक मेंटर से, मतलब टीचर से बात करी, तो बहुत सही रहता था कि हाँ हो जाए। पेपर क्लियर होगा, कितनी खुशी है इस बात की? काफी खुशी है, बच्चे की मेहनत, टीचर्स का सपोर्ट, आज आपके सामने खड़े हैं बच्चे। जो एकेडमी में फीस दी थी वो पूरी होगी जी, खुशी है उस बात बहुत की। काफी। अच्छा, कभी ऐसा लगा कि बेटी का पेपर क्लियर नहीं होगा? आपने डांटा नहीं? नहीं नहीं, 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 कभी कभी लड़की ने हिम्मत नहीं हारी। IIT में बच्चा को क्यों जाना चाहिए, क्यों माँ बाप अवेयर करें भाई IIT में जाओ, क्यों? एक माहौल सबसे बड़ा, इन्वायरमेंट, एक्सपोजर, ये सब IIT में जाके। यहाँ पे पढ़ाई कैसी हुआ है? अच्छी है। मैं फीस भर दी? टेंथ क्लास से मैं यहीं पढ़ रही हूँ। अच्छा, टेंथ से यहीं पे पढ़ रही हूँ। अभी मैं प्लस वन में। करता अकेडमी अलावा 4-5 घंटे बस। बच्चों का सिलेक्शन हो गया सर? जी बिल्कुल। और मेरे ख्याल से पूरी एकेडमी के लिए, बच्चों के लिए, और हौसला अफजाई इन बच्चों के लिए, माँ बाप के लिए, सबके लिए गर्व की बात है। जी बिल्कुल। सबसे ज्यादा एफर्ट्स किन के हैं? देखो, आपके हैं, बच्चों के हैं या माँ बाप के हैं? कोई भी दुनिया का कोचिंग है, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो 40% टीचर रहता है, 60% बच्चों का रहता है।
ठीक है, सबसे बड़ा जो बैकहेंड रहता है वो रहता है पेरेंट्स का, क्योंकि जो ये फेज है कोचिंग का टू ईयर प्रोग्राम है, इसमें कभी बच्चा अप भी रहता है, कभी डाउन भी जाएगा, फिर अप आएगा, वहाँ रोल रहता है पेरेंट्स का। पेरेंट्स को अगर अपने बच्चे के ऊपर कॉन्फिडेंस है, मैं तो कहता हूँ उसको सपोर्ट करना। एक्स वाई जेड कहीं का भी वो डिसाइड कर ले, हमारे पास जो हमारा जो सिस्टम है सर, मैं पहले बात सिस्टम बता देता हूँ जी, जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट रन करती है, चाहे सीकर में है चाहे कोटा में है, मैंने पढ़ाया सर मुंबई में, मैंने पढ़ाया सर दिल्ली में, एकेडमी में खास क्या था और कहीं ट्राई किया, नाम मत लेना, ट्राई किया, अच्छा हाँ किया था तो सर। ये एकेडमी बेस्ट लगी? यस सर, सच्ची में सर, क्या हाँ, हाँ झूठ का सच बोल रहा हूँ। अच्छा तो क्या स्पेशल लगा यहाँ पे जो औरों पे नहीं था? इसमें सर पर्सनल गाइडेंस देते थे, खासकर मतलब नरेंद्र सर फ़ोन करते थे हर रात को कि मतलब कैसी पढ़ाई चल रही है, और इन्हें पता रहता था कि मैंने आज टेस्ट दिया नहीं दिया, उसके मार्क्स पूछते थे, फिर उसके बाद हम एनालिसिस करते थे नेक्स्ट डे मतलब वो एकेडमी पे बिल्कुल, और फिर काफ़ी हेल्प करा मतलब ये चीज़। क्या स्पेशल था एकेडमी, और कहीं भी गया था? नहीं और कहीं तो नहीं गया, लेकिन यहीं पे बहुत अच्छा माहौल था, टीचर्स हमेशा गाइड करते थे, डाउट हमेशा लेने को तो यार कभी जाओ, कोई बैकलॉग है वो कभी ले लो सर से, टीचर्स हमेशा सपोर्ट करते थे डाउट्स वगैरह बस यहीं, और फिर माहौल भी अच्छा था एकेडमी पे। सर इसको आपने कैसे पढ़ाया इस भाई को? ये साइलेंट किलर है सर, ये उन बच्चों में से हैं जिसको भगवान का बहुत तगड़ा आशीर्वाद है, ये ऐसे देखता रहेगा आपको पता भी नहीं चलेगा टिक कर देगा, वो इसका जवाब होगा, तो उन साइलेंट किलर में से एक है ये।